केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के बाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। स्टेशन के बाहर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के बाद दुर्ग जिले में भी सोमवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए, जहां आरपीएफ व जीआरपी के जवान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने मुस्तैद रहे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार सहित कई राज्यों में अग्निवीरों के द्वारा रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देकर विरोध दर्ज कराया गया है, जिसके मद्देनजर दुर्ग जिले में भी अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसे लेकर सोमवार को भारत बंद के आह्वान को देखते हुए सरकारी संपत्ति की सुरक्षा एवं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखने रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर पुलिस की तैनाती देखी गई। हालांकि दुर्ग सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के उग्र होकर आगजनी व तोड़फोड़ करने की घटना तो सामने आ रही है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर शासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।